हेलो गाइज, माय नेम इज़ राज गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन गाइडेड पाथ। सो गाइज, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं आज स्टार्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे नहीं लगता कोई है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट नंबर। कोई नंबर नहीं होगा तो मैथ्स बनने का चांसेस है? नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, शून्य। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो। और ज़ीरो की खास बात, ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, ज़ीरो किसी से ही मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो ना प्राइम है ना कंपोजिट है ना। सो ज़ीरो इज़ ए स्पेशल नंबर, पता हो आपको तो। ठीक है, सो मैथ्स क्या है? ऑल अबाउट नंबर। और अगर नंबर नहीं है तो मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है, तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं हम क्या क्या करने वाले हैं पर्टिकुलरली इस पार्ट में, नहीं तो पार्ट्स जो आएंगे, सक्सेसिव पार्ट्स आएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कितने हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो सारी चीज़ जो जो मैं बोल रहा हूँ सारी हम उसमें कवर कर सकते करेंगे। ठीक है, सो पहली चीज़ फैक्टर्स, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, एंड यूनिट डिजिट भी ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का बस, ठीक है, वो नहीं, यूनिट डिजिट मतलब तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम क्या, हाउ टू फाइंड जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको दे रखा है एक नंबर 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 टिल 89। आपको पूछ लिया जाए कि कितने जीरोज हैं, बताओ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें। फिर आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत से बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है और सब ट्रिक्स ढूंढते हैं। सो ट्रिक्स नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, जो कि अपने आप में एक ट्रिक है, जो कि अपने आप में एक ट्रिक है। ठीक है, सो ट्रिक या बोलो या हम बोले कॉन्सेप्ट। तो रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स में भी अलग अलग तरह के रिमाइंडर्स, नेगेटिव रिमाइंडर्स सुना हो कभी तो, नेगेटिव रिमाइंडर्स। और हम बात करें क्या, हम क्रॉस रिमाइंडर्स, क्रॉस रिमाइंडर्स समझोगे जब मैं कराऊंगा क्रॉस रिमाइंडर्स। हम इसमें एक दूसरे की मतलब ऊपर नीचे की वैल्यू कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आंसर है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, अदरवाइज टाइम लगता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इस पार्ट में सारी चीज़ें हो जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि अगले पार्ट में सारी चीज़ हो जाएँ। तो जितने पार्ट लगेंगे लगेंगे उसके हिसाब से हम सारा करेंगे कवर। ठीक है, सो सारी चीज़ें कवर होंगी। सो स्टार्ट विद द डिजिट, नंबर स्टार्ट कर रहे हैं तो डिजिट स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ डिजिट? ठीक है, सो डिजिट क्या होती है? एक मतलब डिजिट इज़ ऑल अबाउट 0 to 9, तो ये होती है हमारी डिजिट। और नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट। सो नंबर इज़ व्हाट? ग्रुप ऑफ डिजिट। सो बहुत अच्छी चीज़ पता चली आपको क्या, कि डिजिट का मतलब होता क्या है, डिजिट का मतलब होता क्या है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी होती लोगों को। सो यस, सो देख रहे हो कि कितना बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक स्टार्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आगे चीज़ें आसान होती रहेंगी हमारे लिए धीरे धीरे। ठीक है, अब कर लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबको पता होगा ऑलमोस्ट, वो तो बस ऐसी है कि पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो पता होना चाहिए। सो व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर इज स्टार्ट विद 1 2 3 4 टिल काउंटिंग। सो हम बोल सकते हैं टिल काउंटिंग, जहाँ तक काउंट कर सकते हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं होल नंबर, जो हम स्किप कर देंगे, क्योंकि होल नंबर क्या है, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, सेम चीज़, ज़ीरो ऐड हो जाता है बस इसमें। देन प्राइम नंबर, मतलब आई एज्यूम डेट आपको पता होगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, वो सब मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, सो प्राइम नंबर के बारे में भी आपको पता होगा, बट जो अभी मैं बताऊंगा वो कुछ इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा इम्पोर्टेंट उसमें? मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं प्राइम नंबर्स, तो कहीं आपने नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जो देख रहे हैं, तो ये पैटर्न देख लो क्या होता है। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? अगर सिक्स क्लास की डेफिनेशन पढ़ें तो हम होता है द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय इट्सेल्फ, डिवाइडेड बाय इट्सेल्फ और वन। ठीक है, सो जो खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, तो सो और नहीं आएगा इसमें, एंड आएगा, एंड वन। ठीक है, एंड वन। सो जो खुद से डिवाइड होते हैं और जो वन से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक, लेकिन आज से ये डेफिनेशन पढ़ोगे कि आप जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, द नंबर्स विच हैव टू फैक्टर्स आर नोन एज
प्राइम नंबर्स, ये होती है डेफिनेशन असली प्राइम नंबर्स की। अगर इस डेफिनेशन से करोगे तो वन को आपको प्राइम नंबर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वन से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, जो कि वन ही है, ठीक है। लेकिन अगर इस डेफिनेशन से चलोगे तो वन प्राइम नंबर नहीं है, जो कि ट्रू है। वन इज़ नायदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नायदर प्राइम नॉर कंपोजिट मीन्स ना तो वन प्राइम है ना तो वन कंपोजिट है, ठीक है। ना तो वन प्राइम है ना तो वन कंपोजिट है, ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं हम पैटर्न पे। सो प्राइम नंबर का पैटर्न क्या होता है, ये चीज़। सो पहले प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं कुछ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 कुछ स्किप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 29, 31, 37, 41, 43 एंड देन सो एन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें टू और थ्री को छोड़ के, टू और थ्री आर द एक्सेप्शन टू दिस पैटर्न। सो इस पैटर्न में टू और थ्री को एक्सेप्शन है, बाकी सब वो चीज़ फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पैटर्न। सो फाइव को कैसे लिख सकता हूँ मैं, फाइव को लिख सकता हूँ 6 × 1 − 1, 7 को 6 × 1 + 1, 11 6 × 2 − 1, 13 6 × 2 + 1। अब आते हैं 17 पे। सो 17 क्या होता है, 6 × 3 − 1, 19 6 × 3 + 1। 21 होता है क्या, नहीं होता, ठीक है नहीं होता। अब क्या हो जाएगा ये 23। सो 23 6 4 − 1, 29 is 6 5 − 1। सो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ स्किप हो गया, यहाँ पे कुछ स्किप हो गया, क्या स्किप हो गया, 6 4 + 1। सो ये क्या हो जाएगा 25, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्या है कंपोजिट नंबर। सो मैं ये बताना चाहता था इसकी मदद से कि जो सारे प्राइम नंबर होते हैं वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 6n + −1, 6n + −1। कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो आप, 47 ले लो, ठीक है, या 43 ले लो, 41 ले लो, कोई सा भी आप पैटर्न, कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो आप, आपको रियलाइज़ होगा कि वो सारे इस फॉर्म में टूट सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर एन की वैल्यू के लिए, मतलब इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि इसका उल्टा, कि हर एन की वैल्यू के लिए वो, जैसे हमने एग्जांपल देखा भी 6 4 + 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब इस फॉर्म में टूट सकते हैं, तो फॉर्म इज 6n + 1 और 6n − 1, इन दो में टूट सकते हैं, बट जो भी सब इस फॉलो इसको फॉलो करते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है। सो आई मीन टू से दैट, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, इम्पॉर्टेंट पैटर्न, ठीक है, समझ में आ गया प्राइम नंबर का पैटर्न, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बेसिक हो गया। सो बेसिक इज क्लियर, अगर क्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस क्लियर है प्राइम नंबर का पैटर्न एंड ऑल, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, क्वेश्चंस पे। सो फाइंड द फैक्टर ऑफ 48, सो 48 के फैक्टर्स बताओ मुझे, ठीक है। 48 के फैक्टर आप बता सकते हो, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 12 से होता है, 8 से होता है ना, तो और किससे होता है, 16 से होता है, और 16 के बाद 24 से होता है एंड 48 से होता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 फैक्टर्स, ठीक है। सो अगर आपको बोला जाए 48 का फैक्टर निकालना, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बट अगर आपको पूछा जाए 9600 का फैक्टर्स बताओ, तो कैसे, ऐसे करोगे, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3। सो ये तरीका जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक फार्मूला, या हम बात करें ट्रिक, फार्मूला या हम बात करें क्या ट्रिक, ठीक है। वो ट्रिक मैं अभी इस पे 48 पे भी अप्लाई करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टर ऑफ 9600। सो 9600 के एन इजकल टू नंबर जो है वो 9600 है। सो इसको तोड़ सकते हैं हम 96 × 100 में, तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है अभी। सो 48 × 2 × ये क्या हो जाएगा, 10 × 10, यस और नो, 10
10 × 10 हो जाएगा, है ना। इसको तोड़ोगे क्या क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, तो 16 हो गया ये। × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 × 2। अब ये क्या हो जाएगा, 10 10, 2 × 5, पहला 5 दूसरा 10। सो अब देखो किया क्या है मैंने, मैंने ये किया कि मैंने इसको पहले किस में तोड़ा, 96 × 100 में, 100 ये 2 में डिवाइड हो गया 10 × 10 में। अब ये 10 कैसे हो गया, इस तरह से, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने 96 को तोड़ा 48 × 2 में, अब 48 को तोड़ा मैंने 16 × 3, और ये जो 2 था इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। तो तोड़ना समझ में आ गया आपको, किस तरह से मैंने तोड़ा इसे, ठीक है भाई, किस तरह से तोड़ा समझ में आ गया। अब n इज इक्वल टू 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2, तो 2 की पावर इज 7 इंटू 3 कितना है, सिर्फ एक ही है, तो 3 की पावर 1, 5 कितना है 2, और 5 की पावर 2। सो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर है सारे, सारे क्या है, प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 4 5 भी प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, डीएनए होते हैं नंबर्स के, डीएनए ऑफ एनी नंबर, डीएनए बोल लो या फिर बोल लो बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि किसी भी नंबर को बनाने के लिए प्राइम नंबर ज़रूरी है, ठीक है। सो हमने इसको प्राइम नंबर में तोड़ दिया, ये क्लियर हो गई बात कि डीएनए क्यों होते हैं प्राइम नंबर्स, इसीलिए होते हैं क्योंकि हम किसी भी नंबर को इसमें तोड़ सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। अब एक फार्मूला याद रखना फैक्टर्स निकालने के लिए, इफ़ एन इज इक्वल टू ई की पावर ए इंटू क्यू की पावर बी इंटू आर की पावर सी एंड सो ऑन एंड सो, मतलब आगे बढ़ता रहेगा ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इतने रुक गया। आप एस की पावर डी भी ले लो, मतलब जितने भी आपके प्राइम नंबर हो रहे हैं, अगर इंटू 7 की पावर कुछ है या जो भी है, अगर आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ 3 तक ही रहने दो, ठीक है। तो जनरली 3 का फॉर्मूला होता है, आप आगे बढ़ा सकते हो इसे जैसा आपको बढ़ाना हो, मैं अभी क्वेश्चन करा दूंगा आपको, पता चल जाएगा कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो तो हमारे पास नंबर क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, अगर ये नंबर है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने का। सो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स इज इक्वल टू ए प्लस वन बी प्लस वन एंड सी प्लस वन, ये क्या है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, समझ में आ गया भाई, ये फार्मूला नोट कर लो बस, इसके बाद आपके लिए फैक्टर्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, फैक्टर्स वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे, और मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं बाकी ये। सो एन क्या है हमारे पास, 2 की पावर 7 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। सो ये हमारे पास एन है 9600 का, हाँ है ना, ठीक है, ये हमारे पास एन है। अब ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 7 + 1 1 + 1 2 + 1, तो 8 × 2 × 3, 16 × 3 इज 48 फैक्टर्स। सो 48 फैक्टर्स आपको ढूंढना अच्छा लगता है या फिर ये करना अच्छा लगता, ठीक है। सो यू नीड टू, मतलब इस तरह से करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना आपको इसमें फैक्टर्स निकालने के लिए। अब 48 वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, 48 का हमने क्या निकाला था, 10, 48 का क्या निकाला था हमने, 10। सो 48 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, सो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1। सो इस तरह से हम इसे तोड़ सकते हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस वन बी प्लस वन, सो 4 + 1 1 + 1, 5 × 2 मतलब 10, तो 10 फैक्टर आ गए। आपने इस तरीके से किया तब भी 10 फैक्टर आए, और इस तरीके से करते तब भी 10 फैक्टर आते हैं, ठीक है। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस तरह से करना है या आपको नीचे वाले की तरह से करना है। सो ऑब्वियस है 99.99% करेंगे इस तरीके से, ठीक है। सो ये क्या है, शॉर्ट तरीका है जिसको आप ट्रिक्स बोलते हो, ठीक है भाई, शॉर्ट तरीका है जिसको हम ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, क्लियर हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, लेंथी होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लूँगा मैं, ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लूँगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन हम, एन इज इक्वल टू 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4 × 5 की पावर 2, सो दिस इज द एन, क्या है ये एन। अब इसमें आपको फाइंड करना है क्या क्या, वो देख लो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। थर्ड चीज़ क्या फाइंड करनी है आपको, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स,
नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन। फिफ्थ चीज नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर ऑफ एन, कंपोजिट फैक्टर ऑफ एन। सिक्स इज लास्ट वन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये इस एक ही क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इस एक क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो यही मोटिव है मेरा कि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय सिक्स, डिवाइडेड बाय सिक्स। सो छः क्वेश्चन हो गए आपके एक ही क्वेश्चन में, है ना। सो क्या क्या निकालना है, ये आपको नंबर दे रखा है एन, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले से टूटा हुआ है, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय सिक्स। सो डू इट बाय योर सेल्फ, पॉज कर दो वीडियो और खुद करो एक बार, ट्राई करो करने का, क्या पता हो जाए, है ना, क्या पता हो जाए, नहीं होता तो हम करा ही रहे हैं, है ना। सो एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। मैं निकाल देता हूँ, जिनको करना होगा वो पॉज करके कर चुके हैं अब तक, ठीक है। पहली चीज़ क्या निकालनी है हमें, पहली चीज़ निकालनी है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, जो कि बहुत आसान है क्योंकि ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, क्लियर। मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 5 इंटू 3, 60 इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, 60 आ गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। सो एन क्या है हमारे पास, मैं हर किसी चीज़ में एन लिखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, मैं एन लिखूंगा समझाने के लिए, मैं एन लिखूंगा समझाने के लिए। सो अगर ऑड नंबर को हम, ऑड नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो जाता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है कि अगर ऑड नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो जाता है। सो एन में से मैं अगर 2 बाहर निकाल लूँ, सो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये। अगर मैंने 1 2 की पावर बाहर निकाल दी तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 कम हो जाएगी इसमें से, यही तो किया है मैंने, ठीक है। सो ये क्या होंगे, सारे इवन फैक्टर होंगे क्योंकि मैंने इसमें से बाहर, ऑड फैक्टर्स होंगे, सॉरी ऑड होंगे, ये सारे क्या होंगे, ऑड, क्योंकि मैंने इवन क्या कर दिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं, क्या कर दिए हैं। अब मैं किसी भी नंबर को अगर इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन हो जाएगा ना। सो हमें क्या करना है, अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ऐसा क्यों करना है वो मैं बता चुका, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे और इवन हो जाएंगे अपने आप ही। सो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक और चीज़ देख लेते हैं हम, ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स में क्या करना पड़ेगा हमें, ऑड फैक्टर्स में क्या करना पड़ेगा हमें, इवन को हटा दो, पूरे इवन को हटा दो, बचे क्या ऑड। सो एन विल बी 3/4, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। सो यही तो बचेगा, अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इवन हो जाएगा, सो इसलिए हमें सिर्फ इसका निकालना है। सो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स इक्वल टू 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, दिस विल बी 15। सो 15 क्या है, ऑड फैक्टर्स, और अगर इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो, इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो टोटल माइनस ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर आ गए हमारे 45, कितने आ गए 45। पता चला ना कैसे, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 20 किसी और को दे दिए तो बचे कितने 80 ना, तो वही किया मैंने भी कि 60 हमारे पास टोटल फैक्टर थे जिसमें से 15 ऑड थे, तो मुझे इवन पता लगाने थे, मैंने टोटल में से ऑड माइनस कर दिया, बचे क्या इवन फैक्टर्स, डी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, ठीक है भाई। सो एन लिख लेते हैं एक बार, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, है ना। सो इनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं। इसके अलावा मान लो कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, हम बात कर लेते हैं किसी भी बड़े से नंबर की, आप छोटे से नंबर की, 96 की, ठीक है। सो 96 क्या है, 2 की पावर 5 इंटू 3, है ना। अब इसमें जो भी फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 तो होगा ना प्राइम, उसके अलावा कोई और प्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने अभी 48 का एग्जांपल दिया, अभी देख लेते हैं ना दोबारा से, ज़्यादा दूर थोड़ी है ये रहा। अब इसमें आप देख लो कि 2 और 3 के अलावा कोई और इवन है,
सॉरी प्राइम है नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 और 3 है ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और यही क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। सो यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे, तो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, सिर्फ 3 फैक्टर्स, जो कि कौन होंगे, 2, 3 और 5। आ गई बात ई की, कंपोजिट फैक्टर्स की, कंपोजिट फैक्टर्स की, तो कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे, 60 माइनस 3 माइनस 1 विच इज 56। अब ये 1 कैसे आया, अभी मैं बताता हूँ। देखो टोटल कितने थे, 60, टोटल फैक्टर्स कितने थे, 60, और ये 3 क्या थे हमारे, प्राइम नंबर, 3 क्या थे, प्राइम नंबर, तो वो तो माइनस होंगी। अब माइनस क्या होगा, 1, 1 ये क्या है, एक फैक्टर 1 भी तो होगा जो कि ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है ना, 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो वो भी ऐड होगा इसमें, तो 60 माइनस 4 करेंगे, हमारे कंपोजिट फैक्टर आएंगे 56 फैक्टर्स। ठीक है, ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि मैंने 1 माइनस क्यों किया, 1 मैंने माइनस इसलिए किया कि जो 1 एक फैक्टर है जो वो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। बात आ गई अब एफ की, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 6, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। सो दोबारा से एन लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। सो एन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन होगा, हमें 6 बाहर लेना है, हमें 6 बाहर लेना है, 6 किससे बनता है, 2 और 3 से। सो एक 2 यहाँ से बाहर ले लो, एक 3 यहाँ से बाहर ले लो, तो 2 इंटू 3 हमने बाहर ले लिया, बचा गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो जो भी इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 6 से डिविजिबल। अब जो इतने फैक्टर आएंगे, सो 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, ठीक है, सो 3 3 इंटू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 36। सो 36 फैक्टर ऐसे होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो गाइज अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको फैक्टर्स निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो फैक्टर निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट क्वेश्चन देन प्लीज़ मेल मी ऑन gupta.g8520@gmail.com, ठीक है। सो इस पे मेल कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो, और अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, सो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो मैं आपको वो दे सकता हूँ। अब आती है बात किसकी, यूनिट डिजिट की, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको अभी तक लगता है ना। सो एक बार एक काम करते हैं, इसे यहीं पे ख़त्म कर दें, या फिर चलो यूनिट डिजिट भी कर लेते हैं, क्या ही दो वीडियो बनाना उस पर, ठीक है। क्या हो गया ये, ठीक है। सो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्री और नॉट, इम्पॉर्टेंट है ये तो सबको पता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। सो यूनिट डिजिट में कुछ चीज़ें हैं जो जान लो पहले, जो कुछ चीज़ें हैं वो पहले आप जान लो। तो पहले हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ 121 की पावर, एन इंटू 1 2 1 इंटू 1 2 1 तीन बार। सो यूनिट डिजिट क्या होती है, ये सुनो। सो इससे अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगी क्या यूनिट डिजिट, 1। इससे 1 होगा तो आएगी क्या, 1। इससे अगर मतलब जो भी होगा इधर उससे आएगी 1, और ये 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 इंटू 1 इज 1, यस और नो। सो फाइनल यूनिट डिजिट इज 1 ओनली ना, डिजिट इज 1। आप किसी भी नंबर को ले लो जो 1 से एंड होता हो, आप किसी भी नंबर को ले लो जो 1 से एंड होता हो, फॉर एग्जांपल 11 इंटू 11, 121 आ गया ना 1, क्योंकि ये एंड किससे हो रहा है, 1 1 से। 31 ले लो, 31 इंटू 31, 31 इंटू 31, सो 1 आ गया। अब यहाँ पे तो क्रॉस आ जाएगा, आएगा तो यही ना नीचे 1, ठीक है। सो कोई भी नंबर जो 1 से एंड हो रहा हो, कोई भी नंबर जो 1 से एंड हो रहा हो और उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, वो क्या आएगा क्या, 1। यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ज़रूरी हैं, 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 ऑलवेज, क्या आएगी, 1। सेकंड, यूनिट डिजिट ऑफ 5 कुछ भी हो पावर आएगी क्या, 5। थर्ड, यूनिट डिजिट 6 आएगी क्या, हमेशा 6। फोर्थ, अगर एंड में 0 है कितनी भी पावर हो आएगी क्या, 0, क्या आएगी,
जीरो, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन, प्लीज़ नोट कर लो इस चीज़ को भाई, ये काम आएगी, नंबर देख जाएगी, ठीक है। सो क्लियर। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि काम आए, और हो सकता है काम आ भी जाए। अगर कोई नंबर 25 से एंड होता है तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 25 ही होगी, चाहे पावर कुछ भी हो। उसी तरह से 76 की पावर n, कुछ भी हो आएगा क्या 76, ठीक है। सो दो तीन वो बहुत कम यूज़ होती हैं दोनों, इसलिए मैंने लिखवाई नहीं थी। और ये जो चार हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई अगर ये नहीं है तो कैसे निकालूंगा मैं यूनिट डिजिट, अगर एंड अगर 1 से और 5 से और 6 और 0 से नहीं हो रहा है तो मैं यूनिट डिजिट कैसे निकालूं। सो देखो, आपने पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए 1, 2, 3 की पावर 76 है, सो यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, सो कैसे निकालोगे। सो देखो, आपने पढ़ा होगा n की पावर अगर b है, सो ये क्या होती है हमारी पावर, ये क्या होती है हमारी पावर, और ये n क्या होता है इंडेक्स, क्या होता है इंडेक्स, n क्या होता है पावर और n सॉरी b क्या होता है पावर और n क्या होता है इंडेक्स। सो गाइस, आपको बोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये आपको अगर बोर लग रहा हो तो ये बोर नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ आ गई एक बार तो आप किसी भी डिजिट मतलब किसी भी नंबर का आप यूनिट डिजिट निकाल के फेंक सकते हो इन सेकंड्स, इन सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो थोड़ी सी चीज़ें जो सीखनी पड़ेंगी, सो ये क्या है पावर और ये क्या है इंडेक्स। अगर इंडेक्स ऑड है, इफ इंडेक्स इज ऑड तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर इंडेक्स ऑड है, देख लेते हैं, इफ़ इंडेक्स इज ऑड देन वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, ये चीज़ लिख लो पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग द इंडेक्स टिल वी गेट वन एट द यूनिट प्लेस आइदर 2 और 4, क्योंकि 2 और 4 से ज़्यादा बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लो, मैंने क्या बता दिया ऑड वाला, अगर आपके पास ऑड है जैसे 123 है या 125 है तो आपको पता होगा 5 है, सो इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। अगर 127 है, 129 है, सो अगर ये चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 नहीं आता, जब तक 1 नहीं आता। तो इसको करके देख लेते हैं, आपको अगर अभी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 123 की पावर क्या थी 76, सो क्या करना है आपको 123 × 123 दो लेना है सबसे पहले, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 123 × 123 फिर से 2 ले लो, क्या आ गया 9। सो यूनिट डिजिट पे अभी क्या आ रहा है 9, एक और 1 मल्टीप्लाई करो, सो 9 × 9 = 81 आ गया क्या 1। सो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया हमारा 1। सो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 123 की पावर 76 से क्या मिल रहा है हमें यूनिट डिजिट 1। 76 से नहीं मिल रहा अब सर, 4 से मिल रहा है, यस। सो अगर हम 123 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1। अगर हम 123 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें 1, क्या मिलेगा 1, ठीक है। अब 76 4 से डिवाइड होता है, 76 4 से डिवाइड होता है, यस होता है। सो अगर मैं 123 को 4 है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको इसकी पावर कर दूँ कितनी, हम बात करें 19, ठीक है, तो इसकी भी पावर हमें कितनी करनी पड़ेगी 19, दोनों तरफ हमें पावर कर दी हमने 19 से। अगर a इज़ इक्वल टू b है सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी सेम होगा, ए क्यूब और बी क्यूब भी क्या होगा सेम, ए की पावर 6 और बी की पावर 6 भी क्या होगी सेम, ठीक है, और 9 की पावर सॉरी ए की पावर 19 और बी की पावर 19 भी क्या होगी सेम, वही तो किया है मैंने। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसकी पावर 19 और इसकी पावर 19 भी बराबर होगी। सो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 123 की पावर 76, क्या आ जाएगी 76, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा क्या 1, तो हमें पता चल गया कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 1, क्या है 1। सो अभी आपको देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि भाई भारी चीज़ है, नहीं है भारी चीज़, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, दो मतलब 30 सेकंड के अंदर एक एक सवाल करते हैं, ठीक है, एक एक सवाल करते हैं 30 सेकंड के अंदर, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सो अगर आपको बोल दिया जाए 1, 4, 3 की पावर 58, सो व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट सेकंड,
व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट, सो 120 143 इंटू 143 इंटू 143 इंटू 143, क्योंकि अभी किया है ना हमने कि 3 × 3 करेंगे तो 9, 3 × 3 करेंगे तो 9 और 9 × 9 करेंगे तो 1, सो 143 की पावर 4 हमें क्या दे रही है यूनिट डिजिट, 1, क्या दे रही है यूनिट डिजिट, 1। 58 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पास वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा, तो 56, क्या 56, सो किस मल्टीप्लाई करूँगा मैं पावर को, किससे करूँ, 16 से, मे बी आई एम राइट, 16 से नहीं, 16 से नहीं करना ना, मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 14 से, किससे, 14 से, ठीक है, सो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, 14 से, सो 143 की पावर 56 हमें क्या दे रही है यूनिट डिजिट, 1, क्या दे रही है यूनिट डिजिट, 1, क्या दे रही है यूनिट डिजिट, 1। अब हमें चाहिए कितना यहाँ पे, 58, सो 143 इंटू 156 इंटू 143 की पावर 2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दो, 143 की पावर 2, ठीक है, मैंने दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, अगर a इज इक्वल टू b है तो a इंटू 2 इज इक्वल टू b इंटू 2 होगा, येस और नो, होगा ना, तो इसी तरह से किया ना मैंने, यहाँ पे 2 से मल्टी मतलब 143 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 143 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 143 की पावर 58, एंड देन ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है ये, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 143 इंटू 143 यूनिट डिजिट आएगा 9, क्या आएगा 9, और 1 इंटू 9 इज 9, सो यूनिट डिजिट क्या मिल गया हमें इससे, 9, क्या मिल गया, 9, क्लियर, क्लियर, ठीक है भाई, तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, समझ में आ गया भाई, इस तरह से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए और सबके लिए जो भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं अभी देख रहे हैं, ठीक है, सो अभी पहले सीख लेते हैं ढंग से, उसके बाद ही जो क्वेश्चन हैं इंटरेस्टिंग वो हम देखते हैं। 127, 47 और 127, ठीक है भाई, 47 और 127। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, ऑड है, तो हमें इसे तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 नहीं आता है, सो 47 इंटू 47 क्या आ गया, 9, फिर से 47 इंटू 47 9, ठीक है, 1 आ गया, 1 आ गया, सो 47 की पावर 4 इज 1, ठीक है भाई, हमें लाना कितना है, 127, क्या लाना है, 127, सो सबसे पास क्या होता है, 124 होता है जो 4 से डिवाइड होता है, 124 होता है जो 4 से डिवाइड होता है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 31 से, 31 से, सो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 31 से, 31 से, सो 47 की पावर 124 इज इक्वल टू, यूनिट डिजिट हमें दे रही है 1, क्या किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब 3 से, क्योंकि 27 चाहिए हमें, क्या चाहिए, 27 इंटू में 47 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 47 की पावर 3 से, यस और नो, यस ना, ठीक है भाई, अब क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, 47 की पावर 127, ये क्या हो गया हमारा, 1, ये 47 है, ये 47 है कि नहीं, है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें इसे, 47 इंटू 47 इंटू 47 करके देख लो, और जो भी यूनिट डिजिट है वो आपका आंसर हो जाएगा, कैसे ये बताता हूँ, 9, ये 7 है, सो 7 इंटू 9 क्या देगा हमें यूनिट डिजिट, 63 होता है ना, 9 7 जाता है, 3 देगा हमें यूनिट डिजिट, 3 देगा हमें यूनिट डिजिट, 1 इंटू 3 आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3, सो यूनिट डिजिट विल बी 3 ओनली, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है थोड़ा सा सब्र रखो, अभी और आएगा समझ में जब और क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ, जब भी मुझे ऑड इंडेक्स मिल रहा है, जब भी मुझे ऑड इंडेक्स मिल रहा है मैं उसे क्या कर रहा हूँ, तब तक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जब तक मुझे 1 नहीं मिलता, जब तक मुझे 1 नहीं मिलता, आप सीधी सी बात जान लो, जब भी 3 और 7 हो एंड में ऑड डिजिट के, जब भी 3 और 7 हो लास्ट में ऑड डिजिट के, आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब भी 9 डिजिट हो आपको 2 ही बार में आंसर मिल जाएगा, बिकॉज 9 इंटू 9 इज 81, ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी 7 और 3 हो तब आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और जब भी 9 और 9 हो तो आपको 1 बार मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ गया, बाकी ऑड होते हैं 1 और 5, तो 5 से कितनी पावर हो, 5 ही आएगी यूनिट डिजिट, और 1 हो तो 1 ही आएगी यूनिट डिजिट, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है गाइज, सो और क्वेश्चन होंगे वो हम करते हैं कल, ठीक है, तो कल हम करेंगे इसे स्टार्टिंग से, सो टुमारो इज़ द क्लास, इज़ द सेशन ऑन द सेम टॉपिक यूनिट डिजिट, ठीक है गाइज, सो कल करते हैं इसे,
हो सकते हैं, हो सकेगा तो लाइव स्ट्रीम करेंगे, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट सेम वीडियो आएगी आपके पास, आपके घरों तक। ठीक है भाई, सो कल करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।